जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम मौजूद हैं सैम सोथरा के वीडियो शूट पे, और मेरे दाएं और बाएं जानब दो खूबसूरत मॉडल बैठी हैं जिनका इत्तेफाक से एक ही नाम है, यानी कि लाइबा। अब ये नहीं पता कि लाइबा खान है, लाइबा फला, क्या 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 नाम, जरा अपने बारे में बताइएगा। ये लाइबा सिद्दीकी हैं और आप? और मेरा नाम लाइबा शौकत अली। लाइबा शौकत अली, तो लाइबा बताइएगा थोड़ा सा, आप वीडियो शूट में मौजूद हैं, आपके मॉडलिंग करती हैं, एज ए मॉडल यहाँ पे आई हैं? यस, हम लोग एज ए मॉडल भी आए हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये फर्स्ट टाइम आपने इनके साथ काम किया ना? जी जी, बहुत अच्छा काम चल रहा है और बहुत मजे का सॉन्ग है, तो हम लोग को बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। सही बात है। अच्छा, आप बहुत जॉली सी और शोक शोक और खुश खुश है, जबकि मैंने जब से देख सकूँ पता नहीं ये उदास हैं या कोई याद आ रही है या नहीं, 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 मैं नहीं नहीं करती क्योंकि ये मेरी सारी कभी पूरी कर देती है। अच्छा, हाँ, मतलब ये इतना बोलती है, मैं इसी को देख बस कहती हूँ यार। तो आप दोनों साथ साथ होती हैं? जी, हम हर शूट पे, हर सॉन्ग पे, हर एक चीज पे साथ आती हैं। बाय चांस अकेले अगर चले भी जाए तो पूछते हैं वो क्यों नहीं आई दूसरी वाली, छोटी वाली। तो आपने बताया कि आप मॉडलिंग करती है रेगुलरली, और एक्टिंग का भी एक्सपीरियंस है या कोई शौक है? एक्टिंग भी, मॉडल भी, सब कुछ। एक्टिंग की है आपने? जी। कौन सा प्रोजेक्ट आपका? हम लोगों ने कलंदर में किया, उसमें भी कलंदर में आपने किया, जो कि जियो से ऑन एयर है, जिसमें मुनीत भट्ट हैं, बहुत सारे हमारे लाहौर के बहुत सारे लोग हैं और कमल मीर है। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? शर्मा के साथ आप क्या समझ रही है कि लाहौर में अच्छा माहौल है काम का, खासतौर पे एज ए मॉडल आर्टिस्ट? हाँ, कुछ अच्छे और तो बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग मॉडल्स हैं, यहाँ पे हर चीज़ की ऑफर है, हर चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, एक तो मतलब फ्रीलांस रह के काम करता है, एक आप किसी एजेंसी के साथ मतलब अटैच हो जाता है। आप बताइए, आप क्या फ्रीलांस के साथ जो मुख्तार साहब है वो कैसे? लेकिन अच्छा, आप ये बताएं कि यहाँ पे जो माहौल है, आपने बताया बहुत ही अच्छा, लेकिन लड़कियाँ खासतौर पर जो फैशन इंडस्ट्री में, वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होते हैं, दूसरा हैरेसमेंट बहुत। अपने ही बात है, अगर हम अपने ये फिक्रा बहुत पुराना हो गया, स्क्रिप्ट ये खत्म हो गया, ये वाला जो इंसान मतलब ना अपने आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, अपना करेक्टर ठीक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ मेकअप आर्टिस्ट से लेकर डायरेक्टर, लेडीज से लेकर ड्रेस मास्टर तक हर बंदे की नज़र होती है बुरी। आप ये समझते हैं, मतलब हर कोई एक जैसा नहीं होता, इतना अच्छा माहौल भी नहीं होता, लेकिन हमारे जो से यहाँ कई मेकअप कई मेकअप आर्टिस्ट हैं, शहरी के बारे में क्या कहेंगे? शहरी सब इंडिया का है, वो जैसा मेकअप कोई कर ही नहीं सकता। और शहरी को जिस रात में, शहरी को मैं भी बचपन से करती, छोटा सा कावा ग्रास के पास होता था ना, तो उस वक्त से मेरा तो ख्याल है कि मैं अगर कोई मॉडल या कोई एक्टर बन भी गई थी, मेरे जो से मेकअप आर्टिस्ट है वो शहरी से आप फिरोज खान फलक सारा फलक, यानी कि वो मियां बीवी दोनों आपको पसंद है, फलक शब्बीर और सारा, और अगर कभी आपको अपने फेवरेट आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिले तो फ्री में भी करेंगे, फ्री ही करवाएंगे पहले वो।
अगर आप हमें एक तकरीबन 6 महीने पहले मिले होते तो आप दोनों की ख्वाहिश पूरी हो सकती थी। काम की बात करो क्योंकि उनका जो वबाल ड्रामा है उसमें आपको चांस मिल सकता था, लेकिन शूट हो गया कम्प्लीट। अच्छा ये बताइए जिस तरह आपने एजेंसी का क्या किरदार है मॉडल्स को आर्टिस्ट को आगे ले जाने में, इस तरह खावर रियाजा और बहुत सारे लोग हैं, तो ये कितना ज़रूरी है कि आपको एक अच्छा इदारा मिल जाए, एक अच्छा आपको टैलेंट वो एजेंसी मिल जाए? हम तो यही कहेंगे भाई हमें जितना भी काम करवाया बहुत अच्छा रहा आगे हम यही चाहते हैं, सबने हमें आगे ही बढ़ाया कि आगे बढ़ो, ये नहीं कि हमें ये पीछे काम करा तक पीछे पीछे नहीं हमें हर अच्छा ये भी तो होता ना कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो पूरे नहीं समटाइम्स होते हैं, खासतौर पर शुरू शुरू में जो आपको ऐसे चीज़ें मिल रही होती हैं वहाँ भी आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है? सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। एक बार हुआ था कि एक हम किसी एजेंसी के साथ नहीं गए थे, किसी ने बुलाया था, बुलाया था कोई, उसने हमें बुलाया तो उसने हमें पैकेज नहीं दिया, उसने बोला ये फ्री में काम था, बट हमें बाद में पता चला कि उसका वो तो ले लेते ना पहले पैकेज था, बट हम लोग तब नए थे तब मुझे नहीं पता था, तो इस वजह से ऐसा तो आज तक नहीं हुआ मुझे लग रहा है, ये मेरे साथ है ना इसलिए तो अब तो आप शक्ल देख के पहचान जाते होंगे कि बंदा बंदा कैसा है, बंदा है नहीं हम पहली बात ये हम काम उनके साथ करते हैं जिनको हम जानते हैं। हाँ ऐसे ही है, मतलब उस बंदे के साथ काम नहीं करते कि जिसको जानते नहीं है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा किया उसने बहुत से मतलब हमें काम किया बहुत ज़्यादा, मीन क्या पैसों के हवाले से या पैसे पैसे के हवाले से भी और वैसे भी उसने बहुत ज़्यादा हमें ना मतलब काम किया, तो उससे नसीहत होगी कि उस बंदे के साथ काम करो जिसको आप जानते हैं, और इस फील्ड में ये है कि कुछ बंदे ऐसे हैं आप जैसे नए नए आए हो ना आप उसको अपनी कोई मजबूरी बताते हो या कोई चीज़ वो आपको फ़ायदा उठाएगा। हाँ ये तो है, ये तो है, मतलब 100 बंदों में से आपको कोई एक बंदा शायद अच्छा मिले, एकदम ऐसा ये सही बात, पर हम जिन काम करते हैं ना वो लोग बहुत अच्छे हैं, जैसे कि केएन टैलेंट हो गया उसमें है, केएन हो गया उसमें एक्स टैलेंट हो गया, मैक टैलेंट हो गया, सब बहुत अच्छे हैं और सबने हमें आगे काम करवाया और आगे करवा। तो टीवी की आपने बात की है तो क्या फिल्म में भी जाने का चांस है? क्योंकि तो फिल्म का माहौल बहुत अच्छा है, तो कौन सी मूवी में? वो अहमद अली की अहमद अली है ना, उनके टेलीफिल्म मैं फीचर फिल्म में जो सिनेमा में लगती उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें चांस मिलेगा फिल्म में भी आप करेंगे। अच्छा ये आपने अच्छा तो फिल्म आर्टिस्ट आपको कौन सी पसंद है? फिल्म आर्टिस्ट सायमा। हाँ तो बहुत बहुत अच्छी सीनियर है ना, मेरा मतलब कहने का वो ठीक है, तो उनसे थोड़ा सा पीछे तो सभा कमर भी आएंगे, अगवा का शोहर नहीं आपका शोहर है, क्योंकि उनकी लड़की हुई भी है फरहान से, हाँ फरहान से उनका खत्म ही हो गया। हाँ वो उसी के डायरेक्टर थे ना कासिम अली तो जिनकी फिल्म पीच बटन आई है। हाँ जी हाँ जी उसमें भी हमने काम पीच बटन में भी हमने काम किया है, तब हम प्रोफेसर नहीं मेरा फर्स्ट नहीं था मेरा फर्स्ट था पीच बटन मेरी मेरे साथ सॉन्ग वो है हाँ मैंने बोल दी वो गाना है जो मेरा यार बोल रहा वो वाला सॉन्ग था उसमें मैं फर्स्ट था जनाब। ये थी बातें और मैं इनके टैलेंट को देखते रहिए पेशी को ही कर सकता हूँ एक दिन नहीं बल्कि बहुत जल्द ये दोनों लड़कियाँ मॉडलिंग के शोबे में और फैशन के इंडस्ट्री में और टेलीविजन इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाएंगी इंशाल्लाह। तो मुझे इजाज़त दीजिए एक अगले इंटरव्यू तक और एक अगली शख्सियत तक। अल्लाह हाफिज़।